हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका शिवटेक स्मार्ट में। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि राइजन की लेटेस्ट 7000 सीरीज के लैपटॉप्स के रिव्यूज करूंगा, और अभी मैंने एसर में राइजन 5 7000 सीरीज के लैपटॉप्स का ऑलरेडी रिव्यू कर दिया है, और आज आपके लिए लेके आया हूं लेनोवो का लेटेस्ट राइजन 3 लैपटॉप है, जो है ये आइडियापैड स्लिम 1। और इसके रिगार्डिंग मैंने कमेंट्स भी देखे, तो फटाफट करते हैं इसकी एक्सक्लूसिव अनबॉक्सिंग और सारे टेस्ट करके देखते हैं ये अच्छा परफॉर्म कर पाता है या राइजन 5 की तरह ही निराश करेगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को लेकर आप भी काफी ज्यादा एक्साइटेड होंगे। बॉक्स को ओपन करने से पहले इस लैपटॉप की अगर मैं मैन्युफैक्चर डेट की बात करूं, तो अभी रिसेंटली में ये वाला मॉडल लॉन्च हुआ है, और जो बॉक्स में एमआरपी दी हुई है वो है 59,390 रुपीज। वीडियो लास्ट में आपको बताऊंगा ये कितने रुपए का मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले लैपटॉप को निकालते हैं बॉक्स से बाहर। तो लैपटॉप के बॉक्स कंटेंट की बात करें तो यूजर मैनुअल मिल जाती है, जब भी फ्री रहो तो आप इसे रीड कर सकते हो, और फ्रेंड्स वही प्रीमियम क्वालिटी की पावर कोर्ड, और एक अपने को मिल जाता है 65 वोल्ट का एसी पावर एडाप्टर, और फाइनली ये है अपना लैपटॉप। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले इस लैपटॉप की सुंदरता की बात कर लेते हैं, तो ये आता है क्लाउड ग्रे कलर के साथ है। और फ्रेंड्स, इस लैपटॉप की अगर मैं डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी की बात करूं, तो डिजाइन आपको सिमिलर ही देखने को मिलेगी लेनोवो आइडियापैड स्लिम 3, सिमिलर सी डिजाइन देखने को मिल रही है। ओवरऑल इस लैपटॉप की अगर मैं बिल्ड क्वालिटी की बात करूं, तो टोटल हार्ड प्लास्टिक से बना हुआ है, लेकिन फ्रेंड्स आप देख सकते हो बिल्ड क्वालिटी काफी ऑसम देखने को मिल रही है। जैसे मैं टॉप लिड पे प्रेस कर रहा हूं, तो मेरे को हल्का सा फ्लेक्स देखने को मिल रहा है, और कीबोर्ड पे मैं जैसे ही प्रेस कर रहा हूं तो यहां मेरे को माइनर सा फ्लेक्स देखने को मिल रहा है। और इस लैपटॉप के राइट कॉर्नर में लेनोवो की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है, और वहीं पाम रेस्ट पे भी यही सेम ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी। और फ्रेंड्स, ये लैपटॉप आता है 1.6 केजी के साथ है। इसी के साथ इस लैपटॉप के पोर्ट्स भी दिए हुए हैं, तो देख लेते हैं कौन कौन से मिल जाते हैं। तो राइट साइड में 1 USB 2.0 टाइप ए पोर्ट, SD कार्ड रीडर स्लॉट और LED इंडिकेटर्स दी हुई हैं, और वहीं लेफ्ट साइड में पावर इनपुट का पोर्ट दिया हुआ है, 1 USB 3.2 टाइप ए पोर्ट, 1 HDMI 1.4 पोर्ट, 1 USB 3.2 टाइप सी पोर्ट और 3.5 mm ऑडियो जैक मिल जाता है, और बॉटम में 3 कॉर्नर रबर ग्रिप दी हुई है, और यहाँ काफी सारा एयर वेंट मिल जाता है। ये लैपटॉप सिंगल फैन सेटअप के साथ आता है। फ्रेंड्स, यहाँ देख सकते हो थर्ड पार्टी लोगो भी दिया हुआ है, और बॉटम में स्टीरियो स्पीकर मिल जाते हैं। तो फ्रेंड्स, 7000 सीरीज का लैपटॉप है, तो सिंगल हैंड से ओपन करके देखते हैं। जैसा कि आप देख रहे हो ओपन नहीं हो रहा है, और फ्रेंड्स इस लैपटॉप के हिंज की क्वालिटी काफी ऑसम दी हुई है, और आप इस टॉप लिड को मैक्सिमम 180 डिग्री तक रोटेट कर सकते हो। अब ऐसे क्वालिटी लेनोवो और ASUS ही प्रोवाइड करवाता है, बाकी HP डेल में तो देखने को मिलती नहीं है। यहाँ आगे की तरफ ही एयर एग्जॉस्ट दिया हुआ है, और वहीं इस लैपटॉप की अगर मैं कीबोर्ड की बात करूं, तो फुल साइज का कीबोर्ड दिया हुआ है, और साथ ही आपको नमपैड भी मिल जाएगा। फ्रेंड्स, की ट्रेवलिंग का स्पेस 1.4 mm दिया हुआ है, तो जैसे ही आप इस पे यूज करोगे तो काफी टिक्टाइल सा फील होगा। और फ्रेंड्स, वही इस लैपटॉप के ट्रैक पैड की बात करूं, तो क्लिक पैड दिया हुआ है, जो मल्टी टच जेस्चर और प्रसिजन टच को सपोर्ट करता है। और इस लैपटॉप के पाम रेस्ट पे प्रोसेसर ग्राफिक्स की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। तो फ्रेंड्स, इस लैपटॉप के स्पेसिफिकेशन देख लेते हैं क्या क्या दिए हुए हैं। तो CPU की बात करूं, तो AMD Ryzen 3 7320U प्रोसेसर दिया हुआ है, जिसकी बेस क्लॉक स्पीड 2.4 और मैक्स बूस्ट टेक्नोलॉजी से 4.1 GHz तक यूज कर सकते हो। मेमोरी 8GB की LPDDR5 5500 MHz की रैम दी हुई है सॉलिड। फ्रेंड्स, आप इन फ्यूचर में रैम को अपग्रेड नहीं कर सकते, सैमसंग की रैम देखने को मिल रही है। वैसे मैं आपको बता दूं, Ryzen 3 वेरियंट के हिसाब से तो काफी सफिशियंट है, लेकिन इन फ्यूचर में रैम अपग्रेड होनी चाहिए थी, लेकिन फ्रेंड्स इस लैपटॉप में आप रैम अपग्रेड नहीं कर सकते। 512GB की PCIe NVMe Gen 4 SSD दी हुई है, तो रीड एंड राइट स्पीड आप देख सकते हो काफी शानदार स्पीड देखने को मिल जाती है। वहीं कनेक्टिविटी की बात करें, तो Wi-Fi 5 और Bluetooth 5.1 दिया हुआ है। और लास्ट में कर लेते हैं इसके GPU की बात, तो AMD Radeon ग्राफिक्स दिया हुआ है 610M, जिसमें 2GB की डेडिकेटेड मेमोरी और 4GB की शेयर्ड मेमोरी के साथ आता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ AMD Radeon ग्राफिक्स में इंप्रूवमेंट किया गया है। पहले के जो Ryzen 3 के जो वेरिएंट आ रहे थे, उनमें 512MB की डेडिकेटेड GPU मेमोरी आ रही थी, और इसमें 2GB की डेडिकेटेड GPU मेमोरी देखने को मिल रही है। और वहीं इस लैपटॉप की अगर डिस्प्ले की बात करें, तो 15.6 इंच की फुल HD TN एंटी ग्लेयर डिस्प्ले मिल जाती है, जिसकी ब्राइटनेस 220 निट्स है, और कलर गैमट 45% NTSC मिल जाता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो क्वालिटी आप देख सकते हो, वीडियो क्वालिटी यहाँ एवरेज ही देखने को मिलेगी। अब TN डिस्प्ले है, तो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना रहेगा।
और वहीं थ्री साइड नैरो बेजल्स दिए हुए हैं और ऊपर की तरफ एचडी वेबकैम दिया हुआ है और वेबकैम की क्वालिटी वही एचडी की जैसे देखने को मिलेगी जो जनरली हर लैपटॉप में देखने को मिलती है। लेकिन फ्रेंड्स सिक्योरिटी के लिए आपको मिल जाता है प्राइवेसी शटर। और फ्रेंड्स इस लैपटॉप की अगर मैं बैटरी बैकअप की बात करूं तो 3 cell 42 watt hour की बैटरी दी हुई है तो आपको अराउंड 5 घंटे के आसपास बैटरी बैकअप मिल जाएगा। वो इसी वजह से क्योंकि 7000 सीरीज के जो भी प्रोसेसर आ रहे हैं वो पावर कम कंज्यूम कर रहे हैं तो आपको अप्रोक्स 5 घंटे के आसपास बैटरी बैकअप मिल जाएगा। और फ्रेंड्स अगर आप लेनोवो की साइट पे विजिट करोगे तो वहां 9 घंटे का बैटरी बैकअप दिखा रहा है। तो मैंने इसमें मूवी वॉचिंग की थी तो आपको आराम से 4 से 5 घंटे का बैटरी बैकअप इस लैपटॉप में मिल जाएगा। अब Ryzen 3 7000 सीरीज का प्रोसेसर लगा हुआ है तो फ्रेंड्स उसी सेम फुटेज के साथ वीडियो रेंडर करने जा रहा हूं जो मैं हर लैपटॉप में टेस्ट कराता हूं तो देखते हैं कैसी परफॉर्मेंस मिलती है। तो फ्रेंड्स वीडियो रेंडर हो चुका है और जो टाइम लगा है 1 minute 30 seconds है। अभी कुछ टाइम पहले मैंने Acer में Ryzen 5 7000 सीरीज में इसी सेम फुटेज के साथ वीडियो रेंडर किया था और उसने टाइम लगाया था 1 minute 38 seconds है। तो जहां तक मैं देख पा रहा हूं टाइम सिमिलर ही देखने को मिल रहा है और जब मैंने लैपटॉप को बूट किया तो अराउंड 11 से 12 seconds में ही लैपटॉप बूट हो गया था। तो फ्रेंड्स आपको बताया कि लैपटॉप की एक्चुअल परफॉर्मेंस टेस्ट करने के लिए इसमें कुछ गेम प्ले करके देखते हैं कैसी परफॉर्मेंस देखने को मिलती है। तो सबसे पहले मैं इसमें प्ले करने जा रहा हूं GTA 5 HD रेजोल्यूशन के साथ तो देखते हैं कैसी क्या परफॉर्मेंस देखने को मिलती है और 2GB की डेडिकेटेड GPU मेमोरी के साथ ये लैपटॉप कैसा परफॉर्म करता है। Shit, nigga, you getting me all emotional now. Nigga might have to stop me from sucking your dick. First call is trouble. There you go. It wouldn't be right if I didn't have to save your ass just once. Save me? Nigga, I just wanted some company. Homie, get out. The metal's meant to be inside, ass. तो जैसा कि आप देख पा रहे हो 60 FPS की फ्रेम रेट आ रही है HD रेजोल्यूशन के साथ और फुल HD रेजोल्यूशन के साथ आराम से 30 FPS की फ्रेम रेट मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स आप इस लैपटॉप में नॉर्मल गेमिंग कर सकते हो और नेक्स्ट मैं इसमें प्ले करने जा रहा हूं NFS। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो फुल HD रेजोल्यूशन के साथ 40 FPS की फ्रेम रेट मिल रही है और नेक्स्ट मैं इसमें प्ले करने जा रहा हूं कॉल ऑफ ड्यूटी वही HD रेजोल्यूशन के साथ प्ले करूंगा तो देखते हैं कैसी परफॉर्मेंस मिलती है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो 60 FPS की फ्रेम रेट मिल रही है और GPU टेम्परेचर 100% तक जा रहे हैं और लास्ट में मैं इसमें प्ले करने जा रहा हूं स्पेक्स ऑफ द लाइन है तो देखते हैं इसमें भी कैसी परफॉर्मेंस मिलती है। On top of that bus, take him down! Oh my God!
तो जैसा कि आप देख पा रहे हो 40 FPS की फ्रेम रेट आ रही है और GPU टेम्परेचर 100% तक जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स मैंने इसमें 4 गेम प्ले किए थे, उनमें GPU टेम्परेचर कंप्लीट यूज आ रहा है। तो फ्रेंड्स जिस बजट में ये लैपटॉप आ रहा है आप इस लैपटॉप के लिए जा सकते हो, गेमिंग परफॉर्मेंस भी काफी अच्छी देखने को मिल रही है। और एक Ryzen 3 का लेटेस्ट 7000 सीरीज का प्रोसेसर है, तो CPU की एक्चुअल परफॉर्मेंस टेस्ट करने के लिए मैंने इसमें कुछ बेंचमार्क स्कोर टेस्ट किए हैं। तो सबसे पहले Cinebench R23 के सिंगल कोर स्कोर देख सकते हो 732 और मल्टी कोर स्कोर आ रहे हैं 3567। वहीं Geekbench 5 ने सिंगल कोर स्कोर दिया है 874 और मल्टी कोर स्कोर 2993 और GPU Vulkan स्कोर जैसा कि देख सकते हो 6645 मिल रहे हैं। और फ्रेंड्स इस लैपटॉप की प्राइसिंग को जानने के लिए आप काफी ज्यादा एक्साइटेड होंगे, ये अभी लिस्टेड हुआ है ऑनलाइन पे 43,990 रुपीज में, और अगर आप ओपर सेल में इसे परचेज करोगे तो और आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। ये लैपटॉप अगर आपको 42 या 43,000 में मिलता है तो आप इसके लिए जा सकते हो, बेस्ट बाय लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फ्रेंड्स इस लैपटॉप में आप फोटोशॉप एडिटिंग कोडिंग 1080p की एडिटिंग भी बटर स्मूथ कर सकते हो, 4K की एडिटिंग अगर आप करोगे नॉर्मल वाली तो वो भी आप इसमें आसानी से कर पाओगे। गेमिंग एक्सपीरियंस ओवरऑल इस लैपटॉप की परफॉर्मेंस बैटरी बैकअप काफी शानदार देखने को मिला है। और इस लैपटॉप में मुझे कुछ ड्रॉबैक देखने को मिले हैं, बैकलिट कीबोर्ड नहीं मिल रहा है, TN डिस्प्ले मिल रही है। तो फ्रेंड्स अगर आपके लिए परफॉर्मेंस मैटर करती है तो आप इस लैपटॉप के लिए जा सकते हो, इस बजट में बिना किसी डाउट आप ये लैपटॉप बाय कर सकते हो। और फ्रेंड्स वीडियो क्लास में इतना ही कहूंगा कि अगर आप लोग मुझे कमेंट्स करोगे तो मैं 12 जनरेशन और Ryzen 3 7000 सीरीज पे भी वीडियो लेके आ जाऊंगा, उसमें मैं डिटेल कंपैरिजन करूंगा साइड बाय साइड कौन सा प्रोसेसर बेस्ट रहने वाला है। तो अगर आपकी नीड हो तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर कमेंट्स करके बताना, और इस लैपटॉप के रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी डाउट कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर कमेंट्स करके बताना। मैं मिलता हूं आपको किसी और धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।